एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है और मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ लंबे वालों पे किस तरीके की हेयर स्टाइल आप कर सकते हो, तो कितनी हेयर स्टाइल है, किस टाइप से मैं बना रही हूँ, सब कुछ आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल जाए। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरा एक और चैनल है जिसपे मैं सिलाई से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस डालते रहती हूँ। जैसे आपको सिलाई से रिलेटेड बहुत सारी बारीकियाँ वहाँ पे सीखने को मिलेंगी, जो जो आप मिस्टेक करते हो वो सब कुछ वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा और अच्छे से आप सिलाई कर पाओगे। और अमेजिंग ड्रेस डिजाइनिंग की भी वीडियो अपलोड करते रहती हूँ, तो जाके चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। सिलाई कोर्स चैनल का नेम है, अगर आपको सर्चिंग में ना आए तो सिलाई कोर्स प्रीत तिवारी डाल दोगे तो सबसे ऊपर ही मेरा चैनल खुल जाएगा और आप उसको सब्सक्राइब कर लेना। अदरवाइज आप कम्युनिटी बॉक्स में जाके आप देख सकते हो, वहाँ पे मैंने बहुत सारी उस चैनल की लिंक शेयर की हुई है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें ना करते हुए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो इतने लंबे बाल हैं, जैसे हिप तक जो हेयर होते हैं उनके कैसे तरीके से आप हेयर स्टाइल करोगे आज मैं आप लोग को बताने। एक मैं ब्राइड हेयर स्टाइल बताऊँगी और एक बंद हेयर स्टाइल बताऊँगी, टू हेयर स्टाइल फॉर लॉन्ग हेयर के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं इनको कुछ चेयर पर बैठा लेती हूँ ताकि आपको पहला जो हेयर स्टाइल है वो अच्छे से क्लियरली दिख जाए। तो आजकल पफ का बहुत कम ट्रेंड है, पफ वाला लुक अभी लगभग ख़त्म ही हो चुका है। तो सबसे पहले आपको ईयर टू ईयर पार्टिंग कर देनी है वालों की। न्यू ट्रेंडिंग हेयर स्टाइल बता रही हूँ जो कि अभी ट्रेंड में है और बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, और लंबे वालों पे आप इस तरीके से कर सकते हो। तो ईयर टू ईयर पार्टिंग कर देनी है दोनों साइड से, जो सेंटर का हेयर है उसको ज़्यादा मतलब ऊपर नहीं करना है, ज़्यादा ऊँचा पफ नहीं लाना है, हल्का सा आपको इस तरीके से अपने क्राउन एरिया से हेयर को ले लेना है और इस तरीके से कॉम करके हल्का सा ट्विस्ट करना है और एकदम लाइट सा पफ, इतना सा आपको पफ का लुक देना है और यहाँ पे पिनअप कर देना है। जब आप पफ कर बनाते हो तो आपकी क्लिप अगर निकल जाती है इस तरीके से, अगर सरक जाती है तो आपको क्या करना है, जब आप क्लिप लगाते हो तो क्लिप को क्रिस्प क्रॉस करके इस तरीके से लगाओ तो अच्छे से ये टिकी रहेगी लॉन्ग टाइम तक, आपका पफ बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा। इस तरीके से आप क्रॉस करके क्लिप को लगा दो, ओके। उसके बाद से साइड जो आपका सेंटर से ये वाला हेयर है इसमें आपको ट्विस्टिंग करनी है। ट्विस्टिंग वाली बहुत सारी हेयर स्टाइल मैंने बताई हुई है, आप चाहो तो फ्रेंच ब्राइड भी बना सकते हो यहाँ पे। तो इस तरीके से हेयर को उठाना है, ट्विस्ट करना है और थोड़े थोड़े हेयर आप चाहो तो इस तरीके से ट्विस्ट कर करके बैक में ला दें, इस तरीके से इसको एकदम लूज रखना, ज़्यादा टाइट नहीं करना है। यहाँ पे लेके आना है और इस तरीके से क्लिप लगा देनी है यहाँ पे, ओके। इससे पतली से लेयर लो, ट्विस्ट करना है, हल्का हल्का खींचना है, लूज ट्विस्टिंग करनी है और इसी क्लिप में इसको भी मैं ऐड कर दूँगी। तो आप देख सकते हो इस तरीके से ऐसे ही आपको सारी लेयर्स लेनी है, पतली पतली लेयर्स लेनी है, ध्यान से देख लीजिए इस तरीके से, और ऐसे ट्विस्ट करनी है, ओके। हल्का हल्का खींच देना है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है खींचने के बाद से। इसी तरीके से जितना आपको फ्रंट में आपने हेयर छोड़ा था सबको इसी तरीके से ट्विस्ट बना देनी है, ट्विस्टिंग कर देनी है। अगर एक क्लिप में नहीं हो रहा है तो आप और क्लिप्स यहाँ पे ऐड कर लो, साइड से आप इस तरीके से लेयर छोड़ सकते हो और चाहो तो ले भी सकते हो, आपकी मर्जी है। वो हेयर स्टाइल देखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जैसा मैं कर रही हूँ वैसा ही सेम टू सेम आपको करना है। आप अपने चेहरे के अकॉर्डिंग देखा करो आपके फेस पे सूट क्या कर रहा है, और थोड़ा बहुत इधर उधर हो तो हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आपको एक साइड से कर लेना है, सेम इसी तरीके से आपको दूसरी साइड भी करना है। तो ये हो गया इस साइड से, अभी रहता बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। इस तरीके से ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है फ्रंट से, वाह। इस तरीके से आपको पूरा आगे से फ्रंट से इस टाइप का लुक आएगा। अब बैक से बन बनाना है, उसके लिए आपको क्या करना है, सारे बालों की एक यहाँ पे पोनी बना लेनी है। पोनी बना ली है मैंने, उसके ऊपर एक ब्रुनेट लगाएंगे। ब्रुनेट आप यहाँ पे भी सेट कर सकते हो, जो आपकी क्लिप्स दिख रही है उसके पास जस्ट सेट करोगे तो
रबड़ के अंदर नहीं डाल देना, जैसे हमेशा रबड़ के अंदर डाल के बताते हैं वैसे नहीं करना, और क्लिप की मदद से इसको सेट कर देना है। उसके बाद से हाफ ईयर लेना है, पूरा नहीं लेना है, हाफ ले लीजिए। हाफ ईयर को लेके ऊपर की तरफ करोगे और जितना में आपका डोनेट ढक जाए वहाँ पे एक रबड़ लगा दूंगा। ओके, यहाँ पे ओके। बाकी बचे हेयर को इसके अंदर कोनी के अंदर अच्छे से एडजस्ट करते हुए डोनेट को कवर करते हुए यहाँ पे इस तरीके से यूपिन की मदद से पैक कर लेंगे। ओके, यहाँ पे मैं एक यूपिन लगा देती हूँ। आपका डोनेट अच्छे से यहाँ पे सेट हो चुका है। अभी जो आपका हेयर बचा हुआ है नीचे, उसमें हाफ हेयर दोबारा से ले लोगे आप। थोड़े थोड़े हेयर लेने हैं दोनों साइड से। इसको ट्विस्ट करना है, टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है और एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से ट्विस्ट करना है। उसके बाद आप जो आपने हेयर स्टाइल वो बन को कवर किया है उसके चारों तरफ इस तरीके से लपेट दो और यू पिन से इसको भी सेट कर दो। इस टाइप का लुक आएगा साइड से। फिर से एक और लेना है लेयर और इसको भी ट्विस्ट करना है, टू पार्ट में डिवाइड करके और ट्विस्ट कर देना है। इसको भी हल्का हल्का खींच लेना है आपको। और दूसरी साइड से लाते हैं, इसको भी यू पिन की मदद से यहाँ पे सेट कर दीजिए। फिर से आपको थोड़ी सी लेयर्स लेंगे और इसको सिंपल ब्राइड बनाएंगे। ओके, सिंपल छोटी। लूज बनाना है एकदम, ज़्यादा टाइट नहीं करना है, नीले हाथी से बना लेना है। अगर एंड तक जितना भी आपका हेयर है वहाँ तक आपको छोटी बना लेनी है। छोटी बनाने के बाद इसको चाहिए तो फिंगर पे लपेटना है और ऐसे लपेटते हुए गोल्स टाइप का इसको बना लेना है और सेंटर में एकदम सेंटर में ला के यू पिन से सेट कर देना है। यू पिन बॉबी पिन जिससे आपको इजी हो आप उसका यूज कर सकते हो। बाकी बचे हेयर को सिंपली आप इसमें भी एक ब्राइड बना लोगे। तो ये ब्राइड बना लिया मैंने, उसके बाद आपको क्या करना है इस तरीके से राउंड राउंड लपेटना है। जैसे अभी हमने लपेटा था फिंगर पे, इस तरीके से आप लपेट लो, उससे क्या होगा कि आपको इजी हो जाएगी ये जो हम लोग राउंड राउंड इस तरीके से बनाते हैं छोटी बनाने के बाद से, इसको आपको इस तरीके से फिर झुकाना है और नीचे में यहाँ पे यू पिन की मदद से इसको सेट कर लेना है। यू पिन या फिर बॉबी क्लिप जिससे आपको ईजी लगे आप उससे इसको यहाँ पे सेट कर दीजिएगा। तो इस तरीके से ये पूरा जूड़े का लुक आया है। ये साइड से इस तरीके का लुक है, इस साइड का इस तरीके का लुक है। तो ये बहुत ही सुंदर पार्टी वेयर बन हेयर स्टाइल है जो कि आप शादी में, पार्टी में, वेडिंग में,
और दुल्हन दुल्हन के ऊपर भी बना सकते हो, दुल्हन की भाभी वाभी हैं जैसे साड़ी पहन लिए, गाउन ड्रेस पहन लिए, उनके ऊपर आप बना सकते हो ये हेयर स्टाइल, जो कि बहुत ही प्यारा लगेगा और बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, खुद से बनाने में थोड़ा दिक्कत आएगा, तो सेल्फ की वीडियो भी बहुत सारी मैंने अपलोड कर रखी है सेल्फ हेयर स्टाइल की, तो आप वो जाके ट्राई कर लीजिएगा। इस तरीके से आप इसको सजा सकते हो, इस टाइप के स्टोन वाले जो पिन पे, तो ये है जुड़े का फाइनल लुक। तो मुझे पसंद आई हो तो लाइक करें जरूर करें, और इस तरीके का लेयर आप साइड से निकाल दीजिएगा। ओके, तो चलते हैं सेकेंड हेयर स्टाइल की तरफ। दूसरे हेयर स्टाइल में आपको बाकी सारा हेयर स्टाइल ऐसे ही रहने देना है, फ्रंट से बैक से जैसे भी है सेम टू सेम छोड़ देना है, वैसे वैसे जो आपका हेयर बचा हुआ है इसमें आपको ब्राइड बनानी है। ब्राइड कैसे बनानी है वो देख लीजिए, जो आपकी खजूरी ब्राइड होती है उसके लिए आपको क्या करना है, टू पार्ट्स में बालों को डिवाइड करना होता है, जो खजूरी छोटी होती है हमारी, और नीचे की तरफ से आपको टू लेयर्स लेने होते हैं, नीचे से दो लेयर ले लीजिए और इसको ऊपर की तरफ से लेके आना है और बालों को टू पार्ट्स में डिवाइड करना है, इसको सेंटर में इस तरीके से दोनों लेयर्स को लेके आना है और एक के ऊपर एक रखते जाना, फिर आपको नीचे से ही लेयर्स लेके आना है, इसके ऊपर रखना है, फिर दूसरी साइड से नीचे से लेके आना है और इसके ऊपर रखते हुए ऐसे ही पूरी ब्राइड को गूंज लेना है। ये जिसके बहुत लंबे और घने बाल होंगे उन पे ही ये हेयर स्टाइल बन पाएगा, तो मैंने आज पर आज का टाइटल ही यही है कि लंबे और घने बालों के लिए टू ब्यूटीफुल ब्राइड वन सॉरी हेयर स्टाइल, जो कि आप पार्टी में शादी में बना सकते हो। थोड़े थोड़े लेयर्स लेके आपको पूरी चोटी को गूंथ लेना है, ओके। जब भी आप ब्राइड बना रहे हो तो नीचे से लेके आना है, ध्यान दीजिए, साइड से लोगे तो ये ब्राइड परफेक्ट नहीं बनेगी जैसी बननी चाहिए। ओके, आप जितना पतला करना चाहते हो उतने पतले लेयर्स लेके आओ आप नीचे से, पूरा घुसने के बाद यहाँ पे आप आपको एक रबड़ लगा देनी है, रबड़ लगाने के बाद आपको बालों को लूज करना है ताकि इसमें थोड़ा वॉल्यूम दिखे और आपकी छोटी पतली ना दिखे, क्योंकि आधे बालों की तो आपका बन बन चुका है यहाँ पे, तो आधे ही बाल बचे हैं जिसमें आपको ब्राइड रेडी करनी है, इस तरीके से पूरा खींच लेना है। खींचने के बाद ये आपके हेयर स्टाइल का फाइनल लुक होगा। तो आपको इसमें करना क्या है, जो आपने स्टोन लिए थे स्टोन से इसको सजा दो, फिर से आपने बन को अपनी ब्राइड से भी स्टोन वाली थोड़ा भी लगा दीजिए थोड़ी थोड़ी दूर पे, सेकेंड हेयर स्टाइल का फाइनल लुक। तो चलिए मैं इसका पूरा लुक दिखा देती हूँ आपको, ये है इसका फाइनल लुक। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई तो वीडियो को लाइक से जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी इस तरीके की यूनिक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।